कितने बहन भाई, टोटल सिबलिंग्स कितने? हम लोग छह थे, अब हम पांच रह गए। मेरी एक बहन की भी डेथ हो गई। हाँ, तो अभी पिछले चार पांच सालों में मैंने, मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हुआ। मेरी बहन चली गई, मेरे वालिद चले गए, मेरी वालदा चली गई, और घर पे हम तीन लोग होते थे, मैं, मम्मी, पापा, बाकी सब अपनी अपनी फैमिली। सारी बात है, कितने बहन मतलब भाई और हैं? जी, बड़े भाई, मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे? तो सबकी डेथ हो गई मेरी, तीन मतलब तीनों जो घर में रह, दो लोग और घर में रहते थे। हाँ। तो मैं घर पे बिल्कुल अकेला होता हूँ। तो अब अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम पे कि तुम कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी यहाँ। तो मैं कहता हूँ यार, घर जब माँ चली जाती है ना, तो फिर घर घर नहीं रहता। दिल ही नहीं चाहता ना आपको। घर वो होता है जहाँ पे कोई बुलाए, या पे कोई इंतजार करे, या आपको खुदाफिस कहे। कैसी थी आपकी अम्मी? वह आप जैसे शूटिंग पे गए या काम पे गए, आप आ रहे वापस तो जाग रही होती थी निदा। मम्मी रात के 3 बजे में वापस आता था ना, तो वो टेरेस पे खड़ी होती थी, या अपने लॉबी में खड़ी होती, वेट कर रही होती थी, और मैं लैंड नहीं करता था। सबसे पहले कॉल आती थी, कब आओगे? तो मैं कहता था, मम्मी मुझे काम करने दिया करें। आखिरी दफ़ा जब मैं लंदन जा रहा था, तो मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे बुलाया, तो मेरी बहन ने कहा कि ना, आप इनको बार बार, उसको बार बार कहा करें कि कब आओगे, कब आओगे। इसका दिल नहीं, मतलब वहाँ काम में डिस्ट्रैक्ट होता है, तो बहुत मुश्किल से वो उठ पाती थी। और तो मुझे बुलाया, कहती इधर आओ। मैंने कहा, कहती हैं अच्छा जा, मैं तुझे अब नहीं बुलाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बस तू काम कर, मैं तुझे याद नहीं करूँगी। और उनकी आँखों में एक अजीब से आंसू थे। मैं सोचता हूँ कि हम कितने अजीब होते हैं ना, कि अपने माँ बाप की उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं करते। ये इतनी बड़ी नेमत होती है कि आपको कोई बुलाए, प्यार करे, इंतज़ार करे। हम उनकी कॉल काट देते हैं कि अरे यार, ये तो घर माँ बाप हैं, इनकी क्या, ये तो फिर कॉल कर लेंगे। लेकिन फिर ये कॉलें नहीं आती हैं आपको, फिर ये नाम आपके फ़ोन पर फ्लैश नहीं होते। तो बहुत कदर करें अपने माँ बाप की। उनके जाने के बाद मुझे पता चला है कि कुछ बचा ही नहीं। मतलब आप किसको दिखाएं अपनी अचीवमेंट्स, किसको बताएं अपनी जिंदगी की कामयाबियां, नाकामियां? बहुत कम। नहीं देखी? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। कभी आप कहते थे मेरा दिल मुस्तरक, उन्होंने देखा था, वो बार बार सबको दिखाती थी। दे वर नॉट वेरी, मेरे पेरेंट्स बहुत टीवी वाले लोग नहीं थे, रमजान ट्रांसमिशन देखती थी। अच्छा। उनका रमजान होस्ट करता था, तो सबसे पहले मैं उनको, आज देखी, आज तूने बड़ी अच्छी नात पढ़ी, आज तूने बड़ा अच्छा, पापा ने भी, भाई वाह, आज तूने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, मेरे पापा शायर वायर उसके। तो वो सबसे ज़्यादा इनक्रेज करते थे कि ये वाली चीज़ें, हाँ, दीन की तरफ, हाँ, ड्रामो, फिल्मों। आप यकीन करें, मैं, मेरी फिल्में नहीं देखी उन्होंने, मैंने 3-4 बॉलीवुड से फिल्म की, उन्होंने नहीं देखी थी, क्योंकि कितना मुश्किल हुआ होगा इजाज़त लेना उनसे कि मैं इस सीन में, हाँ, चला जाऊँ। कैसे? अच्छा, मना रहे हैं वो उन रवायती पेरेंट्स में से थे, लोगों में से थे, जो कहते थे अच्छा फिल्म नहीं करना। फिल्म का एक वो जहन में होता है ना, गाने होते हैं, नाच गाना, और थोड़ा सा आप आगे निकल जाते हैं फिल्मों में, जो टी वी पर आपके हदूद। तो वो आप माँ बाप के होते हुए बड़े, आप जब ये चले जाते हैं ना, तो अजीब शुतर बेमहार से हो जाते हैं कि अब तो जो मर्जी करना है करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन उफ निदा, वो जॉन एलियस साहब का शेर है ना, कि अब मुझे टोकता नहीं कोई, ऐसा होता है खानदान में क्या। तो ये टोकना जो है ना, ये बड़ी, ये याद आती है, याद आती है आपको उस वक्त, आपको लग रहा होता है क्या है यार, क्यों सुबह उठना, क्या इतने बजे सहरी पे उठो, इफ्तार रोज़ा नहीं रखा, अरे नमाज नहीं पढ़ी। और मम्मी के जाने के बाद, मैंने उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज नहीं कज़ा होती थी, लेकिन उसके बाद तो मैंने मेक श्योर, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कि जनाब रसूल खुदा का एक हदीस है कि आप अपने पेरेंट्स को, जो दुनिया से जा चुके होते हैं, अगर आपसे नाराज़ होते हैं तो आप राज़ी कर सकते हैं अपने अमाल से, और जो राज़ी होते हैं उनको नाराज़ कर सकते हैं अपने अमाल। तो शायद पहले मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाता था, जो अब मैं सोच के नहीं करता कि नहीं, इससे मेरे माँ बाप को तकलीफ़ होगी।